हमने अपनी क्लास की जो शुरुआत की थी वो लिविंग वर्ड से की थी, और उसमें हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको हमने डिटेल में भी पढ़ लिया। फिर नॉमेनक्लेचर को भी अच्छे से डिस्कस करने के बाद अब हम आए अपने टैक्सोनॉमिक टॉपिक पे। टैक्सोनॉमिक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे। तो वे बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी होता क्या है एंड कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं लाइक हर्बेरिया, म्यूजियम, ठीक है, कि ये ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पीसीज टू किंगडम की तरफ आता है और उनकी जो संख्या होती है, वो पॉपुलेशन होता है, वो कैसे कैसे इंक्रीज हो जाता है, कैसे सम स्पीशीज लिंक टू अदर स्पीशीज एंड फॉर्म अ जेनरा जीनस में जाते हैं, फिर बहुत सारे जेनरा एक ग्रुप बना के कैसे फैमिली में जाते हैं, फिर फैमिली से वो फाइलम में जाते हैं और इस तरीके से एक होल किंगडम बनाते हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले हम सिस्टमैटिक को पढ़ेंगे। सिस्टम इज़ अ वर्ड विच इज़ डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है, उससे इसका ओरिजिनेशन हुआ है सिस्टमैटिक्स का, और इसका मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स का मतलब है ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट जो है उसी को हम सिस्टमैटिक बोलते हैं। इस वर्ड को किसने कॉइन किया था? लिनाइनस, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्होंने नॉमेनक्लेचर को ऑरिजिनेट किया था और उनके रूल्स बनाए थे, और ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके साथ डील करता है? विद द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पीशीज। इसमें वो स्पीशीज के यूनिक प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हुए उनको किसी भी ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यानी उनकी जो उनका जो परफेक्ट ग्रुप होता है उसमें वो उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उसमें ऑर्गेनाइज करने के बाद उनका नाम भी लिखा जाता है, जो भी उनका साइंटिफिक नेम होता है, एंड अरेंज द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइज प्लान, और प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में क्या किया जाता है? अरेंज कर दिया जाता है। तो बेसिकली सिस्टमैटिक्स में कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं? एक होता है, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं बाय ऑब्जर्विंग देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। आफ्टर आइडेंटिफाइंग देम वी क्लासीफाई देम, उनको उनकी कैटेगरी में या परफेक्ट टैक्सा में हम उसको क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई कर देते हैं, और नॉमनक्लेचर भी उनका करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक्स। नॉमनक्लेचर के बारे में मैंने आपको एक डिटेल लेक्चर दे दिया है। क्लासिफिकेशन जो है, जब इसको भी हम एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो उसी ब्रांच को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमी, उसमें चलेंगे, और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो कैट स्पीशीज़ हैं वो एनिमल किंगडम में आ गया, किस तरीके से कैट स्पीशीज़ जो है वो पैंथेरा से भी मैच करता है, फेलिस से भी मैच करेगा, फिर वो फेलिडे में चला जाएगा, डॉग फैमिली से भी वो मैच करता है, वो सब हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन is called taxonomy. It is a science of identification, classification and nomenclature. As I said earlier, मैंने पहले explain कर दिया है। कैरल लिनाइनस जो थे उन्होंने taxonomy पे बहुत detailed rules and books publish किए हैं, और उन्होंने ही बताया category क्या होता है, हर category का taxon name क्या होगा, तो इसलिए उनको father of taxonomy कहा जाता है। हर कैटेगरी का जो एक बायोलॉजिकल नेम होता है उसे हम टैक्सा बोलते हैं, एंड टैक्सा का सिंगुलर फॉर्म जो होता है उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन बेसिकली होता क्या है, और ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ किंगडम, स्पीशीज, कैटेगरी, इसको हम आगे के लेक्चर में डिटेल में विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो टैक्सॉन होता क्या है? टैक्सॉन जो है इट इज़ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच रिप्रेजेंट और रैंक, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रैंक रिप्रेजेंट करता है, उसी रैंक नेम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। जैसे वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जीनस,
स्पीशीज, ये जो होते हैं ये कैटेगरी नेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली, ये कैटेगरी नेम होते हैं। लेकिन कैट का जो जीनस होता है वो क्या होता है, फैलिस होता है, ठीक है। उसकी फैमिली कौन सी होती है, फैलिडी। तो ये जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये टैक्सॉन कहलाते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी एंड टैक्सॉन, इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। टैक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस आता है, तो आपको लिखना है कि डील्स विद द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, कि रियल में वो है क्या, ठीक है। जैसे कि कैट का जीनस में उसका टैक्सॉन नेम क्या है, फैलिस होगा, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी का एग्जैक्ट बायोलॉजिकल नेम बताता है टैक्सॉन। और ये जो होता है इसकी जो रैंकिंग होती है वो चेंज होती रहती है, बट कैटेगरी का जो रैंकिंग है वो एक पर्टिकुलर रैंकिंग रहेगा, ठीक है। आपको जीनस होमो सेपियंस में भी मिलेगा, आपको जीनस कैट में भी मिलेगा। इट रिप्रेजेंट अ रैंक और लेवल इन द क्लासिफिकेशन। ये रैंक बताता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जीनस, उसका फैमिली, उसका स्पीशीज, ये सब रैंक कहलाते हैं। तो ये कैटेगरी रिप्रेजेंट रैंक और लेवल इन क्लासिफिकेशन। टैक्सॉन जो होता है वो उसी रैंक का बायोलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। जैसे होमो सेपियंस जो है उसका क्लास जो है, होमो सेपियंस में क्लास वर्ड जो आ रहा है वो कैटेगरी है, लेकिन किस क्लास में है, वो मैमेलिया क्लास में है, वो होमो सेपियंस का टैक्सॉन कहलाएगा। तो आगे के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता क्या है, उसी में ये वर्ड आते हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कैट का एग्जांपल भी लेके, जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है उसका एग्जांपल लेकर हम उसको अच्छे से उस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझेंगे। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, हायरार्की का मतलब होता है ट्री, एंसेस्टर ट्री या कोई हिस्ट्री जो होता है उसको हम हायरार्की बोलते हैं, कि किस तरीके से जो डिसेंडेंट है वो अपने एंसेस्टर से किस तरीके से लिंक्ड है, एक फाइलोजेनिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम हायरार्की में। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज़ द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये जो टैक्सोनॉमिक, ये सारे कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, ठीक है, कैटेगरी फोर, कैटेगरी फाइव, कैटेगरी सिक्स, कैटेगरी सेवन। इन ईच कैटेगरी को जब हम कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने ये डिसेंडिंग वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी जो मैं आपको समझाने जाऊंगी कैट का टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उसमें हम शुरुआत जो है वो स्पीशीज से करेंगे, फिर कैसे वो जीनस से लिंक करता है, कैसे फैमिली से, फिर ऑर्डर से, फिर क्लास से। तो हम स्पीशीज से शुरुआत करते हैं और किंगडम तक उसका एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग अरेंजमेंट होता है कैटेगरीज का। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज़ अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। और जैसे मैंने पहले बता दिया कि लिनानेस ने इनको कॉइन किया था, इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इस हायरार्की को हम लिनानियन हायरार्की भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एक जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाता है, दैट इज़ फाइलम एंड डिवीजन, ठीक है। डिवीजन जो है वो प्लांट किंगडम में आता है एंड फाइलम जो है वो एनिमल किंगडम में आता है। आपका एक क्वेश्चन भी आया है कि इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की विच कैटेगरी इज़ सिनोनिमस टू फाइलम इन प्लांट किंगडम। तो आपका उसने ऑप्शन बना दिया क्लास, ऑर्डर, किंगडम, तो आपका आंसर होना चाहिए डिवीजन। बाकी सारा आप ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है, प्लांट में भी किंगडम है, एनिमल में भी किंगडम है, क्लास, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सिर्फ एक डिवीजन जो है वो प्लांट में आता है एंड फाइलम कैटेगरी जो है वो एनिमल में आता है। तो हम एक कैट का एग्जांपल लेके इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे वो स्पीशीज टू एनिमल किंगडम से रिलेट करता है और वो एनिमल किंगडम का एक पार्ट है। तो यहाँ हम एक एनिमल टैक्सोनॉमी को समझ रहे हैं विद द एग्जांपल, ठीक है। हमने एक लायन का स्पीशीज लिया जिसका नाम है पेंथेरा लियो, ठीक है। अब आपने भी देखा होगा कि लायन जो है, लायन एंड लायन जैसे दिखने वाले कई सारे ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, ये सब ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। कुछ ऐसी डिससिमिलैरिटी
में आ जाती है, जिसकी वजह से ये अलग अलग स्पीशीज़ में काउंट होते हैं। तो लायन जो है पैंथेरा लियो है, लेपर्ड पैंथेरा पार्डू एंड टाइगर जो है वो पैंथेरा टिग्रिस। बट ड्यू टू सम कॉमन फीचर एंड सिमिलैरिटी ये तीनों जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं इनको हमने इन्हें एक ग्रुप यानी जीनस में रख दिया और उस जीनस का जो नाम है वो है फैलिस। इसी को हम टैक्सोन कहते हैं और ये जो होता है ये कैटेगरी नेम होता है। तो आई होप आपको कैटेगरी और टैक्सोन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो टाइगर एंड कैट हैं, अगर आप टाइगर को क्या कर दो, छोटा कर दो तो आपको कैट जैसा दिखेगा, एंड अगर फैलिस यानी कैट को आप जूम कर दो तो वो टाइगर जैसा दिखने लग जाएगा। तो कुछ सिमिलैरिटी तो है इनमें कि टाइगर एंड कैट जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं, साइज़ उनका डिसिमिलैरिटी में काउंट हो जाएगा। बट ड्यू टू सम सेम फीचर्स जो पैंथेरा यानी जितने भी टाइगर लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड फैलिस जितने भी कैट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको हमने कहाँ रख दिया, एक फैमिली में रख दिया। कौन सी फैमिली है वो, फेलिडे फैमिली। यानी फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। हमने देखा कि जीनस टाइगर लाइक एक साइड आ गए, ये एक जीनस हो गया, और जितने भी कैट लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, कैट कई प्रकार के होते हैं, उनके भी बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, तो ये जीनस वन है, ठीक है, ये जीनस टू है। मैंने इन दोनों को एक फैमिली के अंडर रख दिया क्योंकि इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। तो किस फैमिली में हमने उसको रखा, फेलिडे फैमिली में। फिर फेलिडे जो फैमिली है कैट एंड डॉग में भी सिमिलैरिटी देखने को हमें मिला। दोनों ही क्या हैं, कार्निवोर्स हैं। बोथ आर फ्लैश ईटिंग, ये जो हैं ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ये इनमें सिमिलैरिटी देखने को हमें मिला। इसलिए हमने इन दोनों फैमिली को, फैमिली F1 एंड फैमिली F2 को हमने किस में रख दिया, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर रख दिया। फिर हमने देखा जितने भी कार्निवोरा हैं यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, कैट डॉग टाइगर एंड जितने भी प्राइमेटा हैं, प्राइमेटा होते हैं मंकी जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स लाइक गिबन, चिंपैंजी, ठीक है, मंकी, मकैक्स, ये सारे प्राइमेट में आते हैं, और हमने इनको किस में रख दिया, मेमेलिया क्लास के अंदर रख दिया। क्यों हमने इनको क्लास में रखा, मेमेलिया क्लास में हमने क्यों रखा, क्योंकि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनमें सब में सेम फीचर होता है, एंड दे हैव फोर लिम्ब्स, और इनके चार लिम्ब्स भी होते हैं, फोर अपेंडेजेस होते हैं बॉडी में। इसलिए हमने इनको क्लास मेमेलिया के अंडर रख दिया। और क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये क्या है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। तो हमने इसको किस में रख दिया, क्लास में रख दिया है। उसके बाद हमने भाई क्या देखा कि ये जो जितने भी मेमेलिया हैं वो अलग आ गए, फिश देखा, एम्फीबिया देखा, रेप्टाइल देखा, बर्ड देखा, एनिमल देखा, हमने क्या देखा कि इन सब में एक सिमिलैरिटी है, क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। हमारे अंदर भी न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, आप फिश को भी अगर देखोगे तो फिश का भी आपको कॉर्डेट मिलेगा ऐसे करके, ये जो बीच का हड्डी होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। एंड इनमें भी, चाहे फिश को ले लो, चाहे बर्ड को ले लो, या रेप्टाइल को ले लो, या हम ह्यूमन बींग्स को ले लो, हम सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी हम सब में प्रेजेंट होता है। इसलिए हमने इन दो फीचर्स की वजह से, एक नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस की वजह से और एक डॉर्सल होलो कॉर्डेटा न्यूरल सिस्टम के प्रेजेंस की वजह से, हमने इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रख दिया। फाइनली ये सभी जो हैं किस में आ गए, एनिमल किंगडम में आ गए। तो अभी मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख दूंगी, स्पीशीज़ का डेफिनेशन क्या होता है,
जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ, इनकी डेफिनेशंस बहुत इजी हैं, याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जीनस में हम क्या रखते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो आपका डेफिनेशन भी यही होगा कि जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, एंड फाइलम इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, किंगडम जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम है। तो आई होप कि आपको ये जो डायग्राम के थ्रू समझ आ गया होगा कि किस तरीके से स्पीशीज जो है जीनस से लिंक्ड होता है, जीनस जो होता है फैमिली से लिंक्ड होता है, ठीक है, ऑर्डर में बहुत सारे फैमिली आ जाते हैं, क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा एम्पायर यानी एनिमल किंगडम बन जाता है। और आप ध्यान से देखोगे कि हम जैसे जैसे स्पीशीज टू किंगडम की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर आप इसी एनिमल किंगडम में जाओगे और किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई या क्लासीफाई करने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ टैक्सोनॉमी, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, अगर आपको उस एनिमल का साइंटिफिक नेम पता है, तो बहुत आसानी से आप उसको कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी से या किसी भी टैक्सॉन से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो है, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिस्ट था, 4 या 5 लाइन में इसको ख़त्म किया गया है, जिसको मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू में आपको समझाने की कोशिश की है। चलते हैं अब अपने इन जो टर्म्स को जो लिखे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इनकी डेफिनेशंस को मैं लिख देती हूँ, जो पेपर में ज़रूर आता है, और आपके टेक्स्ट बुक में पीछे इनके क्वेश्चंस भी दिए हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स के फॉर्म में। स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज लोवेस्ट एंड बेसिक टैक्सोनॉमी। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया कि कैसे स्पीशीज टू किंगडम जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जा रहा है, तो स्पीशीज जो होता है ये सबसे लोवेस्ट एंड बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है, विच कंसिस्ट ऑफ वन एंड मोर इंडिविजुअल, जिसमें एक या एक से उसी सेम स्पीशीज के एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल रह सकते हैं। जैसे होमो सेपियंस एक भी होता है, और बहुत सारे हम सभी इंसानों को होमो सेपियंस ही कहा जाता है। ऑफ अ पॉपुलेशन दैट रिजेंबल्स वन अनदर मोर क्लोजली देन द इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज, जो एक दूसरे को पॉपुलेशन में अगर आप उसी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को अगर देखोगे, तो पूरा का पूरा वो एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे। कुछ ऐसे स्पीशीज़ होंगे, अगर उनको इंडिविजुअली देखोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। लाइक कैट में आप देख सकते हो, वाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, बट स्पीशीज़ दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट आता है जीनस क्या होता है, इट कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जब रिलेटेड स्पीशीज़ को आप एक कैटेगरी के अंदर रख दोगे, तो आप बोलोगे कि भाई वो एक जीनस है, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप बन जाएगा, वो कैटेगरी बन जाएगा, उसे हम जीनस कहेंगे। विच हैव मोर करेक्टर्स इन कॉमन, इसमें और ज़्यादा सभी स्पीशीज़ को अगर आप एक साथ रख दोगे, तो इसमें आपको और भी ऐसे करेक्टर्स मिलेंगे जो सब में कॉमन शेयर होंगे। नेक्स्ट आता है फैमिली, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। और फैमिली में क्या होता है, ये बहुत सारे जो जेनरा होते हैं, हर जेनरा के कैटेगरी को हम क्या करेंगे, जब एक ग्रुप में अरेंज कर देंगे, तो एक नया कैटेगरी बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फैमिली। इसमें आपको क्या होगा, बहुत कम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, बट ड्यू टू वन एंड टू कुछ फीचरेबल, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल करैक्टर्स होते हैं जो सब में सिमिलर होते हैं, उसके कारण हम इनको एक फैमिली में, फैमिली की कैटेगरी में रख देते हैं। नेक्स्ट आता है फाइलम और डिवीजन। फाइलम आपको पता है हम किस में इस्तेमाल करते हैं, एनिमल किंगडम में, एंड डिवीजन जो है वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, प्लांट किंगडम में। तो फाइलम और डिवीजन इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज़ हायर देन द क्लास, जो क्लास से तो हायर होता है, बट इट इज़ लोअर इन रैंक ऑफ किंगडम। किंगडम इट इज़ नोन टू बी द हायर कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में सबसे जो बड़ा कैटेगरी होता है वो कौन सा होता है, किंगडम। क्योंकि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है एक क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है। और मैंने भी आपको एग्जांपल पढ़ाया है, स्पीशीज टू किंगडम आ रहे हैं और उसमें किंगडम टू स्पीशीज जाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। टैक्सोनॉमिकल एड्स
आर द टेक्निक एंड प्रोसीजर्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। टैक्सोनॉमिकल एड ऐसे एड्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या कोई प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं या फिर स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ विद स्पेसिमेन भी होते हैं, विदाउट स्पेसिमेन भी होते हैं। विद स्पेसिमेन हमारे सामने ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड हैं लाइक हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क। इसमें आपको क्या है, सारे जो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हो वो सारे ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड हर्बेरियम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। इसमें प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है इन द ड्राइड फॉर्म, दे आर प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन द शीट्स। ये जो शीट्स होते हैं इनको अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन सारे शीट्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। इन शीट्स में बेसिकली लिखा गया होता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कि किस इंस्टीट्यूशन का हर्बेरियम है, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट रहता है उसमें, कॉमन नेम ऑफ प्लांट भी रहेगा एंड फैमिली टू विच द प्लांट बिलोंग्स, किस फैमिली से बिलोंग करता है वो भी सब कुछ एनलिस्ट होगा। उसका पूरा क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी उसमें एनलिस्ट होगा। रीजन ऑफ कलेक्शन भी होगा कि कहाँ से उसको कलेक्ट किया है, डेट ऑफ कलेक्शन किस डेट को कलेक्ट किया है एंड कौन उसका कलेक्टर है उसका नाम भी उसमें एनलिस्ट होता है। दे आर स्टोर्ड इन इंसेक्ट एंड डस्ट फ्री कैबिनेट। इनको इंसेक्ट और डस्ट से बचाया जाता है एंड इंडिया में कोलकाता में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे हमें क्या है पूरे कंट्री का, अपने पूरे कंट्री में जितने भी प्लांट वेराइटीज़ हैं, प्लांट का जो वेल्थ है, उन सब के एग्जाम्पल्स हर्बेरियम वो सब यहाँ पे हमें मिल जाएगा बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। सेकंड टैक्सोनॉमिक एड जो है वो है बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन जो है ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं दैट हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, यानी रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए वहाँ पे कुछ स्पेशल प्लांट्स को या प्लांट स्पीशीज़ को ग्रो कराया जाता है। इन गार्डन्स में लेबोरेटरी भी प्रेजेंट होंगे रिसर्च के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी भी प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे इनका खुद का हर्बेरियम होता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनका खुद का म्यूजियम भी होता है प्लांट स्पीशीज़ के लिए। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ के जो मेन बोटैनिस्ट एंड गार्डनिस्ट होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे लुक आफ्टर द प्लांट इन बोटैनिकल गार्डन। आपके टेक्स्ट बुक में तीन एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। ये है रॉयल बोटैनिकल गार्डन ऑफ क्यू जो कहाँ है, इंग्लैंड में है एंड नेशनल बोटैनिकल गार्डन जो है ये लखनऊ में है और इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो है ये कोलकाता में है। तो थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड जो है वो है म्यूजियम। इट इज़ अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें भी प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। सम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन मेंटेन देयर ओन म्यूजियम। कुछ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के खुद के म्यूजियम होते हैं। मेरे कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट है, जूलॉजी डिपार्टमेंट का एक अपना खुद का छोटा सा म्यूजियम था जहाँ पे हमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिमेन देखने को मिलते थे। तीन म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो दिल्ली में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में है एंड म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा यानी जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं, आर्थ्रोपोडा में हमारा क्या आता है, सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये सब आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का जो मेन म्यूजियम है वो कहाँ है, पुणे में है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे अर्थ में जो सबसे लार्जेस्ट किंगडम है वो आर्थ्रोपोडा का ही है, यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन्हीं की है हमारे अर्थ में, आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट्स की। फोर्थ टैक्सोनॉमिकल एड जो है वो है जूलॉजिकल पार्क। इसे हम मेनली जू भी बोलते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स और जू आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। यहाँ पे उन एनिमल्स को उनके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एंड ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है, लोग उनको देख नहीं पाते हैं। जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पे है, ये जो है इंडिया में है। ये क्या करता है, इंडिया के जितने भी जू हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं ये। वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको एज अ जू ये सर्टिफाई करते हैं।
लास्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो की है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है कि आर टैक्सोनॉमिकल एड विच आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। इसमें क्या देखा जाता है, जो भी प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म मिलता है, एनिमल ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, हम की के अकॉर्डिंग उसमें सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी को जज करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर जो होते हैं वो लिखे होते हैं, पेयर ऑफ टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिखे होते हैं जिन्हें हम कपलेट्स कहते हैं। सपोज उसमें लिखा होगा मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन करेक्टर दैट इज़ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ अदर दैट इज़ एबसेंट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे मेरे पास एक की मिला, उसमें लिखा होगा कि ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, उसमें दो कंट्रास्टिंग लिखे होंगे, फोटोसिंथेटिक होगा या फिर वो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, इसमें दो कंट्रास्टिंग करेक्टर उस की में लिखे होंगे, ठीक है। तो मैंने जो ए ऑर्गेनिज्म फाइंड किया है, अगर वो फोटोसिंथेटिक होगा तो वो उसे सिमिलैरिटी शो करेगा, ठीक है, तो ये वाला जो लीड होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा और ये वाला जो लीड होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं लीड वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि की के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं उन्हें लीड कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली की जो होते हैं एक तरह से लॉक एंड की का मेथड होता है, जिसमें हम प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ और भी रिकॉर्डेड डेटा होते हैं जैसे फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड मैनुअल, ठीक है। फ्लोरा जो होते हैं ये ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन उन ऑर्गेनिजम्स का या उन प्लांट्स का जो जस्ट अभी अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, प्लांट्स के इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट होंगे। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ किसी भी एक टैक्सॉन का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कंटेन करता है। जैसे मोनोग्राफ ऑफ फिश है, मोनोग्राफ ऑफ बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, मोनोग्राफ ऑफ वर्टिब्रेटा, बहुत सारे ऐसे मोनोग्राफ्स होते हैं। लास्ट जो आता है हमारा वो है मैनुअल या फिर कैटालॉग। ये ऐसे हैंडी बुक होते हैं जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते समय हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन एन एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्लांट्स या स्पीशीज जो पाए जाते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंग्लिश वर्ड के लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के नॉलेज के लिए हम इंसाइक्लोपीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हमें कोई प्लांट स्पीशीज मिल गया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वी गो थ्रू द मैनुअल और कैटलॉग। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो पूरा फिनिश हो जाता है। टेक्स्ट बुक में आपके पास इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, टैक्सोनॉमिकल एड से भी रिलेटेड, ठीक है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना।